एक तो बहुत मोटा सवाल है और वो ये है कि कोविड के बाद और जो पूरा ये टर्म रहा आपका, छठा साल चल रहा है, उसमें जितने पॉसिबल चैलेंजेस थे भारत के, दुनिया के, सारे आ गए, कोविड के बाद स्टेबलाइज हुआ, ग्लोबल टर्मोइल एक तरीके से कंटिन्यूड है और फिर भी इंडिया उसमें एक ब्राइट स्पॉट है। तो इस इकोनॉमिक सिचुएशन को और फाइनेंशियल सिस्टम को भारत में जिस तरीके से मैनेज किया गया वो दरअसल एक बहुत बड़ी कहानी है और उसमें आरबीआई का रोल बहुत ही कमाल का रहा है। तो अब आपसे अगर मैं एक ओवरव्यू लेना चाहें कि इस पीरियड को आपने कैसे नेविगेट किया तो ये बताइए। इसी वो तो बहुत एक लंबा स्टोरी बनेगा, बट बहुत संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो बताया सही तरीके से, अगर मैं कहना चाहूं, इंडिया हैज हैंडल्ड द कोविड क्राइसिस एंड द पोस्ट कोविड चैलेंजेस, चाहे वो यूक्रेन वॉर और उसका आफ्टरमाथ का जो सिचुएशन वो हो, या फिर ग्लोबल सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, सारे सेंट्रल बैंक्स यूएस फेड से शुरू करके सारे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लगे और फाइनेंशियल मार्केट्स भी काफी वोलेटिलिटी विटनेस किया है। इनफैक्ट मैंने कई एक जगह एक भाषण में और मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने खुद डिस्क्राइब किया था कि पिछले जो 5-6 साल है वो इट हैज बीन ए पीरियड ऑफ ग्रेट वोलेटिलिटी। इस टाइप का वोलेटिलिटी इतने कम समय में, कोविड, फिर उसके बाद सेकेंड वेव ऑफ कोविड, डेल्टा वेव, मतलब इट वॉज अनदर मेजर चैलेंज। कोविड शुरू हुआ 2020 मार्च में, फिर अगले साल 2021 अप्रैल मई में वो डेल्टा हुए, फिर उसके 2021, फिर 2022 में यूक्रेन वॉर, उसका आफ्टरमाथ, और वो जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो कंटिन्यूइंग है। सिर्फ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये जियो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स आने लगे, गुड्स और सप्लाई चेन अरेंजमेंट्स, गुड्स मूवमेंट के ऊपर, सर्विसेज मूवमेंट के ऊपर बहुत सारे पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज भी कंट्रीज लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया और एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बहुत सारे बैरियर, ये वर्ल्ड ओवर ये हुआ। इस बीच भारत का जो नेविगेशन रहा, इसका श्रेय मैं पहले तो अपने भारत के सारे देशवासियों को देना चाहता हूं। सेकेंड रीजन ये है कि सरकार और आरबीआई के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन रहा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि फिस्कल मॉनिटरी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, वो बहुत सॉलिड रहा। वो एक मेन कारण है जिसमें हम नेविगेट कर पाए। हम लोगों ने जब मैं आरबीआई आया था तब YLFS के फेलियर था, वो जस्ट हो गई थी, उससे पहले अगस्त में 2018 में फाइनेंशियल मार्केट्स काफी टाइट थे। तो हमारा मेन चैलेंज ये रहा कि मार्केट को कैसे कॉन्फिडेंस दे, मार्केट में कैसा लिक्विडिटी लाए, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत टाइट हो गया था, कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था। तो धीरे धीरे हम वो फेज से जब निकल रहे थे, फिर मार्च में 2020 ये कोविड शुरू हो गया और फिर अगले 2 साल बहुत चैलेंजिंग रहा। कई सारे मेजर्स हमने लिया है, 100 से ज्यादा मेजर्स हमने लिया है, गवर्नमेंट के साथ एक्टिव कोऑर्डिनेशन रहा, गवर्नमेंट में भी वो जो ECLGS स्कीम और बहुत सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद जिस तरह की से मतलब फिर बाकी क्राइसिस, वो लंबा कहानी है, मैं ज्यादातर बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक पॉइंट सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए जो क्राइसिस रहा कोविड, इट हैज रिजल्टेड इन ए परमानेंट आउटपुट लॉस। थोड़ा टेक्निकली बोल रहा हूं, इट हैज रिजल्टेड इन ए परमानेंट आउटपुट लॉस फॉर एवरी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो एक आउटपुट लॉस रहा। जो 2 साल कोविड के रहे उसमें जो आउटपुट लॉस हुआ, जिसमें कि GDP कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कई सारे इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, कॉन्ट्रैक्शन में चले गए, कई सारे इकोनॉमीज बहुत लोगरत रहा, वो जो लॉस हुआ वो ऑलमोस्ट इट इज परमानेंट। और ये सिर्फ भारत में नहीं, सारे सब जगह वही स्थिति है। लेकिन वो जो क्राइसिस से जिस तरह से हम निकल कर बाहर आए, सिर्फ कोविड नहीं, उसके बाद जो यूक्रेन और बाकी सारे जो क्राइसिस आए और जो अभी भी चल रहे हैं, उससे जिस तरह से हम निकल कर आए वो बहुत एग्जेम्पलरी है इंडिया के केस में, भारत के केस में। क्योंकि आप अगर कंपेयर करेंगे आवर इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशंस बिफोर वी एंटर द क्राइसिस पीरियड एंड वेयर वी स्टैंड टूडे और वेयर वी स्टूड लास्ट ईयर, इंडिया एज अ कंट्री, इंडियन इकोनॉमी, आवर फाइनेंशियल सेक्टर
हैव ऑल इमर्ज्ड मच स्ट्रॉन्गर. पिछले 3 साल में जीडीपी ग्रोथ एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा रहा. इस साल का हमारा आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि 7.2% रहेगा. इन्फ्लेशन यूक्रेन वॉर के बाद 7.8% हो गया था, अभी इन्फ्लेशन 3.5 है, लेकिन वो 3.5 में मतलब वो बेस इफेक्ट जिसको कहते हैं, इसीलिए थोड़ा कम दिख रहा है. अगले महीने में अगले 1-2 महीने अभी कम रहेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन जो है टारगेट जो रेंज है हमारा 4%±2 उस रेंज में है. ग्रोथ मोमेंटम इंडिया का जो है स्ट्रांग है. इन्फ्लेशन इन बाई एंड लार्ज हैज मॉडरेटेड, इट इज कमिंग अंडर कंट्रोल, बट 4% टारगेट अभी उसमें और भी डिस्टेंस कवर करना है. और फाइनेंशियल सेक्टर, आप देखिए सबसे बड़ी चीज है हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एनबीएफसी सेक्टर हो, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर टुडे इज मच मोर स्टेबल एंड रिसिलियंट एंड हेल्दी देन इट वॉज 5 years or 6 years ago.